आधा पौना घंटा इसको फ्रिज में रखते हैं, फिर ठंडे होंगे फिर खाएंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो तकरीबन डेढ़ का टाइम है, दोपहर का टाइम हो रहा है, क्यों सुबह से सुस्ती बहुत ज़्यादा थी। और परसों मैं आया था तो व्लॉग नहीं मैंने बनाया, परसों का व्लॉग था, कल सेंड किया, कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्यों गर्मी में एसी में गया हूँ, फिर एसी से दोबारा फिर गर्मी में ऐसा अचानक से निकला हूँ जब बाईपास पे उतरा हूँ लाहौर मोड़। तो जब इंसान घर एसी से अचानक से निकल के गर्मी में जाते हैं तो जो जिस्म के पट्टे होते हैं वो ठंडे होकर जब अचानक गर्मी में जाते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा नहीं जा रहा था, तकरीबन रात दवाई भी खाई है, तो अभी भी सुबह से लेटा ही हुआ हूँ। तो अभी कुछ हिम्मत करके उठाऊँ कि भी लोग शुरू करते हैं, फिर कुछ चुस्ती आएगी, क्यों इसके साथ बहुत ज़्यादा चुस्ती आती है मैंने जहाँ तक आइडिया लगाया है, क्यों जब इंसान व्लॉग शुरू करता है ना तो जिस्म खुद ब खुद काम करता है। जोहर की नमाज का टाइम हो रहा है, पहले तो नहाना है, तो ये देख रहे हैं आप काफ़ी बड़े कद किए हुए मैंने। इसका रीज़न पता क्या है कि मेरे एक ये थोड़ा सा साइड ऊंची थी और ये थोड़ी साइड नीची थी, बराबर नहीं थी, तो इस वजह से इसको बढ़ा रहा हूँ, क्यों बाद में बराबर करके फिर कटिंग करूँगा। अभी 3-4 दिन तक की इसको सेट करूँगा, इसी वजह से इसको कुछ बढ़ा रहा हूँ। ये आप खुद आइडिया लगाएंगे, ये देखें ये इधर है और इसको इधर होना चाहिए था, ये इधर चली गई है, घर में कटिंग कर करके ना ख़राब कर ली थी मैंने। तो अब इसको सेट करेंगे, वो 2-3 दिन के बाद ही करेंगे, अभी तो बाल बड़े होंगे फिर सेट करेंगे दोबारा से। ये आम चेक करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, अभी तो ये गर्म है, ठंडे करके फिर उसके बाद खाएँगे। तकरीबन आधा पौना घंटा इसको फ्रिज में रखते हैं, फिर ठंडे होंगे फिर खाएंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। सब ठीक है, तू सुना फिर, मगर से चक्कर नहीं लगा दोबारा। ये वही पट्टे हैं जो हफ्ता पहले मैं गया था, उससे पहले जो हमने बिजाई नहीं की थी, ये वो हैं, हुए बहुत नॉर्मल से हुए हैं, ये बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्यों बीजने के फौरी बाद जो बारिश हो चुकी थी ना उसकी वजह से ये काफ़ी ख़राबी हुई है, बहुत कम हुए हैं, तबीयत अभी तक संभल नहीं रही है, बहुत अजीब सी तबीयत हो रही है, जिसम में कुछ दर्द है, कुछ हिम्मत नहीं है उठने की, तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत बनाई है कि बाहर थोड़ा सा घूम आता हूँ, जिसकी वजह से तबीयत कुछ फ्रेश हो जाएगी, इसीलिए कुछ बाहर आया हूँ। अम्मी का भी यही कहना था कि थोड़ा सा बाहर घूमा, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिमाग जो फ्रेश हो जाए, तो इसी वजह से, और तो कोई जगह नहीं थी, ये घर के पास ही है, अपनी ज़मीन है, इसकी तरफ ही आ गया, तो अभी कुछ टाइम इधर पास करते हैं हम, फिर चलेंगे घर में।
पानी बहुत ठंडा है, मज़ा भी आता है पानी में फिरने का, तो काफ़ी मज़ा आया है। ये हमारे गांव में कुछ तरक्की हो रही है। ये पहले तोड़ तक जो सड़क थी ये कच्ची थी, मिट्टी की थी, तो अब ये ईंटों की बनाई जा रही है, काफ़ी तरक्की हो रही है। ये देखें, ये काम चल रहा है। बकरियां पड़ा चली आई हैं, अगर बकरियां और चली आई हैं। अभी हम वापस जा रहे हैं, क्यों काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं उधर। अब तो वो नहाने वाले काफ़ी आ चुके थे, तो फिर हमारा वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा, क्यों जहाँ हम बैठे थे उनके नहाने से पानी हम पर आता था, इसलिए फिर हम वापसी का इरादा किया। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। ये देखें, सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तकरीबन 10 से 15 मिनट और लगेंगे इसे मगरिब का टाइम भी होने वाला ही है। कितना खूबसूरत मंज़र हो रहा है इधर का। ये आज के हमारे दो सालन बने हुए हैं, एक ये और एक ये आलू फलियों का है। ये 7 आम हैं जो दोपहर दिखाए थे, क्यों उसके बाद तो मैं सो गया था, दोबारा नहीं दिखा पाया ना खा पाया हूँ, तो अब ये रोटी के साथ खाएंगे हम। ईशा का टाइम हो रहा है, अजाने भी अभी हो रही हैं, तो हमारी हो चुकी है। तो हमारे घर का आटा ख़त्म हुआ हुआ था, तो गंदम अभी उठवा के आया हूँ। तो बस अभी आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दबाव में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।